रूस का एक दिन में 400 यूक्रेनी ठिकानों पर आर्टिलरी से हमला। रूसी मिलिट्री का यह दावा है, यूक्रेन के मिलिट्री बेस आर्टिलरी दो फ्यूल डिपो को उड़ाया। बड़ी खबर, एक दिन में 400 ठिकानों पर हमला। दूसरी ब्रेकिंग, डोनेस्क और लुहांस्क में 24 घंटे में 12 रूसी अटैक किए गए नाकाम। यूक्रेन आर्म फोर्सेस के जनरल का रूसी हमलों पर यह दावा है। एक तरफ 400, दूसरी तरफ 12। सोच सकते हैं आप इक्वेशंस कहां टिल्ट कर रही हैं। बड़ी खबर, मरियोपोल में रूसी फौज का अजोवस्टाल स्टील प्लांट पर फिर से हमला। प्लांट में 200 अहम लोग फंसे, आम लोग फंसे। शहर में 1,00,000 लोग हैं, यह मेयर का दावा है। एक और बड़ी खबर, अजोवस्टाल स्टील प्लांट से बचाए गए 30 लोगों का मरियोपोल छोड़ने से इनकार। यूएन ने कहा डरे सहमे लोग शहर में अपने घर वालों को ढूंढने के लिए रुक गए हैं। ये यूएन ने कहा है इस वक्त की बड़ी खबर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले डोनेस के माकविका में 4 ऑयल डिपो में लगी आग। शॉट्स के साथ माकविका के डिपो में 20,000 टन ऑयल जलकर खाक। माकविका के तेल डिपो पर यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया, डीएनआर ने कहा है। डीएनआर के अधिकारियों ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया है। बड़ी खबर, ये विजुअल देखें, ऑयल डिपो पर हुए हमले में 1 की मौत और 2 जख्मी। ये लॉन्ग रेंज जो मिसाइल मिल रही है यूक्रेन से, उस पर उसकी मदद से हमला किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल समिट में जेलेंस्की की बड़ी कंपनियों से रूस छोड़ने की अपील। रूस में रहने का मतलब वॉर मशीन को सपोर्ट करना। जेलेंस्की ने कहा अभी भी 200 कंपनियां रशिया में हैं, 1,000 से ज्यादा छोड़ चुकी हैं। एक और बड़ी खबर, पश्चिमी देशों के बैन के बाद पुतिन की कच्चा माल एक्सपोर्ट रोकने की धमकी। पुतिन ने 10 दिनों में बैन करने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर है, ऑस्ट्रेलिया ने रूसी सांसदों और यूक्रेनी अलगाववादियों पर बैन लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर, बैन किए गए 110 लोगों में डोनेस्क और लुहांस्क के 34 लोग शामिल। एक और बड़ी खबर, ताइवान को यूएस हॉटजियर की डिलीवरी में होगी 1 साल की देरी। डिफेंस मिनिस्ट्री ताइवान की यह कह रही है, स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की दूसरी डिलीवरी पर भी पड़ेगा असर। यह खबर हमने आपको कल भी दिखाई थी। अब मैं आपको सीधे खबरें दिखा रहा हूं, पहले टॉप 4 दिखाएंगे, फिर उसके बाद बॉटम 4। यहां पर सीधे आइए बड़ा तेजी से, जो खबरें कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पर रूस का एक दिन में 400 ठिकानों पर आर्टिलरी से हमला। डोनेस्क और लुहांस्क में 12 रूसी अटैक विफल किए अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, यह यूक्रेन ने कहा। यहां पर बड़ी खबर, अभी भी 200 लोग मरियोपोल में फंसे हुए हैं। अजोवस्टाल प्लांट में जो हमला किया गया, शहर में 1,00,000 लोग फंसे हुए हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है मरियोपोल से। डरे सहमे लोग शहर में अपने घर वालों के लिए ढूंढने के लिए मरियोपोल में रुक गए हैं। करीब 30 लोग ऐसे हैं जो मरियोपोल छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। यहां पर इकोनॉमिक वाली खबरें हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की समिट में जेलेंस्की ने कहा कि जो कंपनीज हैं वो हर हाल में छोड़ दें रशिया, क्योंकि वरना वो वॉर को सपोर्ट करनी है। बड़ी खबर, बैन के बाद पुतिन की कच्चा माल एक्सपोर्ट रोकने की धमकी है। पुतिन ने 10 दिनों में बैन करने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है। एक और बड़ी खबर जो हमारे पास यहां पर है, ऑस्ट्रेलिया ने रूसी सांसदों और अलगाववादियों पर बैन लगाया है। ये एक और सैंक्शन आया है, और यहां पर 110 बैन लोगों में डोनेस्क और लुहांस्क के 34 लोग शामिल हैं। ताइवान को अब हॉटजियर भी मिलने में देरी होगी, यानी कि इस युद्ध का असर हर चीज पर पड़ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।